तो गाइज आज हम देखने वाले हैं अगर सिंचन को अडॉप्ट किया होता हल्क ने तो सिंचन की लाइफ कैसी होती, सिंचन क्या करता, क्या बनता, कहाँ जाता और सिंचन के साथ सब क्या कैसे कैसे होता, आज हम ये सब देखने वाले गाइज। और वहीं दूसरी तरफ गाइज अगर सिंचन को थॉर ने अडॉप्ट किया होता तो उसके साथ क्या होता, आज हम ये भी देखेंगे गाइज। आज हम दोनों लाइफ जी के देखेंगे एक एक बार कि सिंचन की लाइफ कैसी होती अगर उसे थॉर ने अडॉप्ट किया होता या फिर उसे हल्क ने अडॉप्ट किया होता। तो हम पहले लाइफ गाइज लाइफ देखने वाले हैं हल्क की। तो सिंचन जा रहा था घूमते घूमते, अरे मैं नहीं जाऊंगा, अरे ये लोग कौन है सामने खड़े, चलो इनसे मिलने के लिए चलते हैं। हाय आप लोग कौन हो? ए बच्चे हम तुझे किडनैप करने आए हैं, हम लोग बच्चों को उठा के बेचते हैं। हाँ हमारा यही धंधा है, हम लोग बहुत मस्त आदमी है रे। क्या इस बच्चे को कौन बेचने के लिए आया है, कौन इस बच्चे को किडनैप करेगा, मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं, तुम इस बच्चे को किडनैप नहीं कर सकते। कहाँ गए तुम सिंचन, तुम सिंचन हमने तुम्हें बचा लिया। नहीं हल्क भैया मेरा ना कोई भी नहीं है, आपने मुझे बचा के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं अरे सिंचन इसमें शुक्रिया क्या बात है, बस आज से तू मेरा साथ रहेगा हमेशा। ठीक है आज से मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा हल्क भैया। चल सिंचन आ चलते अब हम लोग अपने घर पे। क्या मेरे पास घर भी होगा? हाँ सिंचन मेरे पास एक घर है, उसमें आज से तू भी रहेगा, ये टोनी स्टार्क का घर, इसमें ऊपर वाला कमरा मेरा है, वो तेरा होगा आज से। तो गाइज चलिए हम घर एक्सप्लोर करते हैं। अरे बेटा यहाँ पर तो बड़ा वाला टीवी भी लगा है इस घर के अंदर, चलो गाइज हम ऊपर वाले कमरे में चलते हैं जो कि है हल्का कमरा। हम हल्का कमरा देख के आएंगे क्योंकि हम आज से हम भी वहीं रहेंगे ना, तो गाइज हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो अरे गाइज यहाँ पर तो बहुत बिगड़ बिगड़ बेड रखा है देखिए। एक साल बाद, अरे आप मुझे ना रहते थे एक साल हो गया हल्क भैया, अब तुम मुझे कुछ सिखा दो। हाँ सिंचन अब मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा पावर्स कैसे यूज़ की जाती हैं, और मैंने कुछ अपनी पावर्स तुझे दी हैं, अब मैं तुझे उन्हें यूज़ करना सिखाऊंगा। हाँ तो बता मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ उन पावर्स को। सिंचन पहले तुझे इन पावर्स को एक वाली पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे हम पत्थर उठा के फेंकते हैं, फिर तुझे एक एटॉमिक स्लैम वाली पावर यूज़ करनी पड़ेगी जिससे तू हाथ ताली बजाते हैं सब वापस उड़ जाते हैं चारों तरफ के। हाँ फिर उसके बाद और कौन सी पावर है आपके पास? सिंचन उसके देख पावर है ये ब्लास्ट की, इससे एनर्जी निकलती सब तबाह हो जाता चारों तरफ का। हाँ और कौन कौन सी पावर है आपके पास? सिंचन बस ये एक पावर और मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, ये है स्लैम की, ऊपर जाकर नीचे हमला करना होता है। ठीक है अभी के लिए मैं इतनी पावर सीखता हूँ, बाकी पावर्स आप मुझे बाद में सिखाना। हाँ ठीक है सिंचन चल इस्तेमाल कर। ठीक है देखो मैंने पहली पावर यूज़ करके सीख ली मैंने पहली पावर, और गाइस देखो मैंने पत्थर कितनी दूर फेंका है हल्क भैया से भी दूर। नहीं सिंचन मुझसे दूर नहीं फेंका। अरे आपसे दूर फेंका है, आप तो ऐसे ही हो लुल्लू पंजू। अरे देखो गाइस मैंने दूसरी पावर इस्तेमाल कर ली और मैंने चार लंबे देर तक यूज़ की हल्क भैया से, और मैंने अपने लास्ट पावर भी सीख ली है यूज़ करनी जो कि है स्लैम, ऊपर से उड़ के नीचे जब धरती में घुसा मारना। अरे गाइस मैंने सारी पावर सीख ली हैं, वाह मेरे तो मज़े आ गए। हाँ सिंचन अब तेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, तूने अच्छा खासा सीख लिया हल्क की पावर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है हल्क भैया मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं जाऊँ घर पर वापस। सिंचन तू अभी घर नहीं जा सकता, मैं आया हूँ इस हल्क से बदला लेने, तूने मुझसे पंगा लिया था ना हल्क, अब मैं तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। मुझे छोड़ दे भाई मुझे छोड़ दे, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊँगा, तुझे मार पीट के तबाह करके यहाँ से फटाफट उड़ा के ले जाऊँगा। अरे मेरे हल्क भैया को कहाँ ले गया वो कलरफुल हल्क, अरे वो कहाँ ले गया मेरे हल्क भैया को, कहाँ गए मेरे हल्क भैया, मुझे मिल नहीं रहे हैं मेरे हल्क भैया, यार मैं क्या करूँ। गाइस मुझे लगता है ढूंढना पड़ेगा मुझे हल्क भैया को बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ ढूंढूँ मैं उन्हें, क्योंकि गाइस मुझे नहीं पता कि वो मेरे हल्क भैया को कहाँ लेके चला गया, वो तो बहुत बुरा आदमी था। गाइस आपको पता है अगर आप चाहते हो मैं हल्क भैया को ढूंढ लूँ तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक करो। 5 साल बाद, अरे गाइज देखो गाइज मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद गाइज मैंने हल्क की पावर को अडॉप्ट करना सीख लिया है, उसके बाद अब गाइज देखिए मैं थोड़ा थोड़ा हल्क जैसा बन चुका हूँ, और मेरे पास हल्क की और भी ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं, अब तो मैं इनमें से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, और मैं अपने वाले हल्क भैया को ढूंढ के रहूँगा। गाइज मुझे 5 साल हो चुके हैं पर अभी तक तो मुझे पता नहीं चला मेरे वाले हल्क भैया मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं इस समय शहर की सिक्योरिटी करता हूँ, मैं गुंडों को मारता हूँ पीटता हूँ और शहर को बचाता हूँ। गाइज मुझे पता चला है कोई बहुत सारे गुंडे मिलके कहीं लूटने के लिए आए थे, तो अब मुझे उन्हें मारने के लिए आया हूँ मैं, उनको हराने के लिए ताकि वो लूटपाट ना कर पाएँ। गाइज अगर आप चाहते हो मैं अपने वाले जो हल्क भैया किडनैप हुए थे मैं उनको ढूंढूँ तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए गाइज। हाँ गाइज जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, नीचे लिख दो गाइज ढूंढो, गाइज कमेंट बॉक्स में लिख दो ढूंढो, और गाइज फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मैं उन्हें ढूंढने जाऊँगा अब कुछ टाइम बाद, क्योंकि गाइज मुझे वो मिल नहीं रहे हैं बहुत देर हो गई, अगर आप मेरे सपोर्ट करोगे तो पक्का मिल जाएंगे, तो गाइज इसी बात पे एक लाइक कर दो मेरे सपोर्ट के लिए, चलो फटाफट लाइक करो गाइज। देखो गाइज मैं इन सब गुंडों को हरा दिया है, अब यहाँ से फटाफट चलता हूँ आगे की तरफ। 10 साल बाद, तो
अरे गाइस देखो गाइस मैं 10 साल और बड़ा हो चुका हूँ गाइस, 10 साल हो चुके हैं मेरे हल्क भैया को गायब हुए। और गाइस मुझे पता चला हल्क भैया यहीं पर आसपास मिलिट्री बेस के अंदर छुपा के रखा, उस वाले हल्क ने मेरे वाले हल्क भैया जो थे ना उनको मिलिट्री बेस के अंदर बेच दिया था बहुत सारे रूपों में, तो वो मिलिट्री बेस के अंदर कैद है 10 साल से। तो गाइस मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से पता चला है कि वो हल्क भैया मुझे कहाँ मिलेंगे, तो मैं अब आ गया हूँ उन्हें बचाने के लिए। मैं फटाफट जाता हूँ उन्हें बचाऊंगा मैं, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए हटा यहाँ से, इस फाटक को हटा यहाँ से, मुझे अंदर जाना है। तू अंदर नहीं जा सकता। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे अंदर जाना है। मैं तेरे तो गोटी गोटी कर दूंगा, भून के रख दूंगा, बता रहा हूँ, भाग जा चला यहाँ से। अरे गाइस इन्हें मुझे गुस्सा दिला दिया, अब लगता है मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अंदर जाने नहीं देगा ऐसे। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस के अंदर अपने वाले हल्क भैया को ढूंढने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मेरे हल्क भैया को छुपा के रखा है अंदर कहीं पे। और गाइस मुझे ये बात 10 साल बाद पता चली थी कि मेरे हल्क भैया को किसे किडनैप करके रखा था। और गाइस देखो देखो कहाँ मिलेंगे मुझे हल्क भैया, मुझे पता नहीं चल रहा है। अरे भाई साहब यहाँ पर तो बहुत सारे टैंक वैंक हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, और बहुत सारे गाइस कमरे हैं बड़े बड़े, देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, तो मुझे मेरे हल्क भैया मिलेंगे। मैंने गाइस बहुत ढूंढा, ए मेरे हल्क भैया कहाँ है। बेटा हमें नहीं पता, बेटा हमें जाने दे जाने दे। गाइस ये लोग तो गाइस वो लोग निकले आसपास ड्यूटी कर रहे थे। चलो अब मुझे फटाफट मेरे हल्क भैया को ढूंढना चाहिए, पता नहीं लोगों ने कहाँ छुपा लिया मेरे हल्क भैया को, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गाइस फटाफट कमेंट करो गाइस ढूंढो, अगर आप चाहते हो मैं अपने हल्क भैया को ढूंढ लूँ तो जल्दी गाइस कमेंट करो, तो ढूंढो जल्दी कमेंट कर दो गाइस, मजाक की बात नहीं, जल्दी कमेंट करो गाइस। बहुत देर को मैं ढूंढ ढूंढते गाइस बहुत देर बाद मुझे मेरे हल्क भैया मिल चुके। हल्क भैया फटाफट भागो यहाँ से, मैंने आपके लिए रास्ता बना दिया है। जल्दी आ जाओ सिंचन, सिंचन तू बहुत बड़ा हो गया अब तो। हाँ हाँ भैया देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, अब फटाफट आपको भागना भाग के चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तो रेड हल्क आ चुका है गाइस। तुम हल्क को लेके कहीं नहीं जा सकते, जब तक मैं आऊँ हल्क कहीं नहीं जा पाएगा। तो मैं तुझे हराने के बाद हल्क भैया को लेके जाऊंगा यहाँ से, तो जानता नहीं है मैं कितना पावरफुल बन के आया हूँ आज, और अब मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है कि तुम्हें 10 साल हो गए थे अपने हल्क भैया से मिले हुए, और हल्क भैया 10 साल में मैंने बहुत सारी नई नई ट्रिक्स सीखी है, नई नई फाइट के तरीके सीखे हैं, मैंने बहुत मेहनत की थी ताकि मैं हल्क भैया जितना पावरफुल बन सकूं और तुझे हरा सकूं। तू मुझे नहीं हरा पाएगा, मुझे तो हल्क नहीं हरा पाता। मैंने कहा तो मैं हल्क से ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ अब। गाइस देखो गाइस मैं कितना सुंदर अच्छा लग रहा हूँ ना हल्क बनने के बाद। अगर गाइस मैं हल्क ने अगर मुझे अडॉप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ ऐसी होगी गाइस। और देखो जब मैं इसे लास्ट पट की देखिए इसे हरा देता हूँ फटाफट, और देखिए गाइस मैंने इसे हरा दिया है। और गाइस देखिए मैंने अपने हल्क भैया को बचा लिया है, अब मैं अपने हल्क भैया को बचा के चलता हूँ। और गाइस इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक तो फटाफट गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं गाइस मेरा यही इनाम होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा, जल्दी कर दो गाइस सब्सक्राइब चैनल को। अगर सिंचन को थॉर ने अडॉप्ट किया होता तो क्या होता? तो अरे थॉर भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिंचन मैं तुझे गोद लेने के लिए आया हूँ, मैं तुझे अडॉप्ट करना हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहे हमेशा। हाँ ठीक है मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है पहले मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की, मैं तुझे थोड़ी थॉर की शक्तियाँ दूंगा और तू उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है वो भी मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है थॉर भैया अब चलो यहाँ से चलते हैं फटाफट, और मुझे फटाफट आपसे भी पावर यूज़ करना सिखाओ, मुझे भी पावर यूज़ करनी है थॉर की। ठीक है सिंचन चलो यहाँ से चलते हैं फटाफट, और मैं तुम्हें पावर यूज़ करना सिखाता हूँ। मैंने एक प्ले ग्राउंड में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सेटअप बनाया है, जहाँ पर तुम पावर यूज़ करना सीखोगे। ठीक है चलो फटाफट उस तरफ चलते हैं गाइज हम लोग भी। और गाइज आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को लाइक कर दोगे ना तो मेरे पास थॉर की पावर आ जाएंगी। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में गाइज, देखो मेरी क्या ड्राइविंग है, अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आती है तो फटाफट कमेंट कीजिए ओपी। हाँ गाइज जल्दी कमेंट कर दो ओपी अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आती है तो। सिंचन ये बातें बहुत हो गई, चल तू अपनी पावर यूज़ करनी है इन सब के ऊपर, जा मैंने तुझे थोड़ी पावर्स दी हैं, तू कॉन्सेंट्रेट करना अपने दिमाग के ऊपर, तू पावर यूज़ कर पाएगा। ठीक है गाइस मैंने पहली पावर यूज़ की पंच। सिंचन कॉन्सेंट्रेट कर अपने दिमाग के ऊपर, सिंचन तेरे अंदर बिजली निकल रही है इसको कंट्रोल कर। ठीक है मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। सिंचन स्टॉर्म ब्रेकर बुला। देखो मैंने स्टॉर्म ब्रेकर भी बुला लिया थॉर भैया, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। हाँ सिंचन चल इसको खत्म कर, ये जो पीछे गाड़ी भी छुप रहा है। अरे सिंचन गाड़ी को तबाह नहीं करनी थी सिंचन, सिर्फ उसको तबाह करना था। हाँ अभी मुझे कुछ आता कहाँ भी, मैं सीख रहा हूँ ना यार, ऐसी बातें करते जैसे कि मुझे सब कुछ आता है। अरे सिंचन चल जा यहाँ से, देख इन लोगों को तबाह कर दे फटाफट। देखो गाइस मैं अपनी सारी पावर यूज़ कर सकता हूँ, देखो मैंने पावर यूज़ करना सीख लिया हल्का हल्का। हाँ सिंचन तूने अच्छा खासा सीख लिया, पर तुझे अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उस ट्रेनिंग के बाद तू बन पाएगा बहुत तगड़ा थॉर, जो कि किसी को भी हरा सकता है, जिससे कोई भी हार नहीं मानेगा। हाँ गाइस देखो मैं बहुत तगड़ा थॉर बनूंगा पढ़ाओ के। चलो अब मेरे गाइस मैंने सबको तबाह कर दिया है, अब मेरी ट्रेनिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है, अब मेरी बस थोड़ी सी ट्रेनिंग और बची है, उसके बाद मैं बन जाऊंगा बहुत खतरनाक वाला थॉर जिसको कोई हरा नहीं पाएगा। मैं भी थॉर बनूंगा। मैं हूँ लोकी और मैं आया हूँ यहाँ पे हल्क को किडनैप करने। पर भाई मैं तो थॉर हूँ। पर ये तो थॉर है। कोई नहीं मैं थॉर को ही ले जाऊंगा, चल बे हट इस पिद्दी से बालक, मुझसे पंगा लेगा। मैं तुझे ले जाऊंगा थोड़ी यहाँ से
उठा के, और तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तू समझता क्या है खुद को, तू मुझे हरा के बन जाएगा 30 मार। खा, तूने मुझे कितनी बार पीटा है मुझे याद है। तो गाइस वो लोकी उठा के ले गया मैं थोर भैया को, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार मुझे पहले इन गुंडों को तबाह कर हराना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैंने कसम ली थी कि मैं शहर में शांति ला के रखूँगा और मैं जितने भी गुंडे आएंगे उन सबको हराऊंगा, मैं उन सबको चोरी चकारी करने से रोकूंगा। तो पहले मुझे इन गुंडों को हराना पड़ेगा, उसके बाद मैं थोर भैया को ढूंढने के लिए निकलूंगा। लेकिन गाइस वहाँ निकलने से पहले मुझे थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि लोकी कितना ज़्यादा पावरफुल है। लोकी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तो मुझे ना उनको उसको हराने के लिए थोड़े और पावरफुल बनना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी जो कि समुद्र के अंदर होती है। हाँ समुद्र के अंदर गाइस पानी के अंदर मुझे बैठना पड़ेगा कुछ सालों तक। उसके बाद गाइस मेरे पास कुछ पावर्स आ जाएंगी जो थोर से भी ज़्यादा अच्छी पावर्स होंगी। मैं थोर से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाऊँगा मेडिटेशन करने के बाद। तो गाइस मैं चलता हूँ फटाफट, इन गुंडों को तो हरा दिया है यहाँ पे, अब इन गुंडों का मैंने काम खत्म कर दिया। अब मैं चलता हूँ मेडिटेशन करने के लिए नदी के अंदर, समुद्र के अंदर मेडिटेशन करूँगा। हाँ 5 साल बाद। अरे गाइस देखो गाइस मैंने 5 साल मेडिटेशन किया है समुद्र के अंदर ताकि मैं पावरफुल बन सकूँ, उस लोकी को हरा सकूँ। और देखो मैंने कैसा रंग का बन चुका हूँ मैं उस यहाँ मेडिटेशन करने की वजह से, और मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ आप लोग खुद देख सकते हो। चलो मैं चलता हूँ अपने थोर भैया को वापस लाने के लिए उस लोकी से। अरे देखो यहाँ पे ये खड़ा है लोकी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है लोकी? देखो थोड़ भैया मैं आपको आज़ाद करता हूँ इस कैद से, बिजली का झटका देकर मैं आपको आज़ाद करता हूँ। ये लो थोड़ भैया आप आज़ाद हो। देखो मैंने थोर भैया को बिजली का झटका देकर आज़ाद कर दिया है। अब देखो अब मैं उस लोकी को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया वो लोकी? सिंचाई तूने गलती कर दी, तूने लोकी को यहाँ से जाने दिया, अब वो डिस्ट्रॉयर लेके आ जाएगा, हम सबको तबाह कर देगा। अरे ऐसे कैसे तबाह कर देगा? गाइस आप जानते नहीं हो डिस्ट्रॉयर को मैं आराम से हरा सकता हूँ। सिंचाई तू नहीं हरा पाएगा, ये डिस्ट्रॉयर बनाई हम लोग एस गार्ड वाले वासियों को हराने के लिए था। क्या डिस्ट्रॉय आप लोग को हराने के लिए बना था? हम इसे जीत कैसे पाएंगे? सिंचन अब हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा इससे, और इससे लड़ने की मतलब है मौत को दावत देना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम इसे जीत जाएंगे आराम से। अगर ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। हाँ गाइस अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए थॉर। हाँ गाइस जल्दी कमेंट कर दो थॉर अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हो उस फाइट के अंदर तो। हाँ गाइस जल्दी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो थॉर, हम इसको हराने की ट्राई करते हैं। इतना पता नहीं हम इसे हरा पाएंगे भी कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे हराना। और ये देखो तो मुझे उठा उठा के पटक दिया है गाइस। अरे थोड़ी हम लोग को मिलकर एक साथ हमला करना पड़ेगा इससे बिजली का, और हम एक साथ हमला करेंगे तो ये हार जाएगा। देखो थोड़ी हम दोनों ने मिलकर हमला किया तो ये हार गया। हाँ सिंचन तुम ठीक कह रहे हो, ये हार चुका है। हाँ गाइस अब देखो मेरी यहाँ पर भी लाइफ पूरी हो चुकी है। आज मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं हल्क मुझे अडॉप्ट करता तो क्या होता, और अगर मुझे थोड़ भैया अडॉप्ट करते तो क्या होता मेरे साथ, मेरी लाइफ कैसी होती। मैंने आपको दोनों की लाइफ दिखाई इस बात पे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।